नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज सीरीज के पार्ट 24 को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो सीरीज है जी पैट संडे क्विज नाम से, तो यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो ऑल फार्मा एग्जाम्स के रिलेवेंट होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट की एग्जाम हो, जीपैट की एग्जाम हो, नाइपर हो, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर हो, या फिर और कोई फार्मा रिलेवेंट एग्जाम हो। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों, ट्रस्ट मी। ये सारे क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ही बनाए हुए हैं। सो एनीवे, चलिए आज के शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा? यहाँ पे देखो, ऑप्शन में दिया है इथिलीन ग्लाइकॉल, डाइमिथिल सल्फोक्साइड, जिसे DMSO बोला जाएगा, असीटोन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ से प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा? तो यहाँ से सही आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है दोस्तों, है ना। ये CH2OH ये स्ट्रक्चर होता है इथिलीन ग्लाइकॉल का, और प्रोटिक सॉल्वेंट में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच होता है, और ये जो बॉन्ड जब प्रेजेंट होता है तो इसे प्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाता है। तो यहाँ से इथिलीन ग्लाइकॉल ही ऐसा ऑप्शन है जो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ए प्रोटिक सॉल्वेंट पूछा है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मामाइड, एसिटोनाइट्राइल, या फिर अमोनिया। तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एसिटोनाइट्राइल। ये बाकी जो ऑप्शन है वो प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन के बॉन्ड प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट और ए प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन के ऑप्शन अगर चेंज भी कर दिए जाए तो आपका आंसर सही होना चाहिए। देखो, प्रोटिक सॉल्वेंट अभी हमने बोला जिसमें हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को अटैच होना जरूरी है ना, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मिक एसिड होगा HCOOH करके, तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। फॉर्माइड जो है HCONH2, ये भी प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। अमोनिया जो है NH3, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में अटैच है, और नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। इथिलीन ग्लाइकॉल जो अभी हमने देखा, इसमें OH बॉन्ड है। वाटर अभी एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें भी OH है। अल्कोहल भी प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इसमें भी OH आता है, ठीक है। देखते हैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल्स को। तो देखिए, इसमें आएगा असीटोन, असीटोनाइट्राइल, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइमिथिल अमाइन करके आएगा, फिर एनियन डाइमिथिल फॉर्मामाइड DMF, डाइमिथिल सल्फोक्साइड DMSO, डाइमिथिल असीटामाइड DMA, और हेक्सामिथिल फॉस्फोरामाइड HMPA करके। तो ये सारे कंपाउंड में कहीं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ में ज्वाइनिंग नहीं होता है, बॉन्ड नहीं होता है, तो ये सारे ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। इस पर सवाल डेफिनेटली बन सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हलाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी इन प्रोटिक सॉल्वेंट इज। देखो, प्रोटिक सॉल्वेंट में हमें हैलाइड जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर बतानी है। न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी क्या, न्यूक्लियस लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और वो न्यूक्लियस से प्यार करे, है ना। तो ये ऐसे हैलाइड के ऑर्डर जो है प्रोटिक सॉल्वेंट में कैसी होगी? तो यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑर्डर बताई है न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों ये ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें आयोडीन इज ग्रेटर दैन, ब्रोमीन इज ग्रेटर दैन, क्लोरीन इज ग्रेटर दैन फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगी प्रोटिक सॉल्वेंट में, और आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है प्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है। ये हम प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए बात कर रहे हैं, और अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट बोला दिया जाए तो ये पूरा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों यहाँ पे ए प्रोटिक के लिए, है ना। ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट में इस तरह की ये ऑर्डर देखी जाती है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा, आई बोरो क्लासिक फाइबर प्रोटीन फ्रॉम द न्यू मार्केट। ऐसा न्यू जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए बोलेंगे, प्रोटीन जो है वो प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए बोलेंगे, और ये आई बोरो क्लासिक फाइबर हम जो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन के लिए बोलेंगे। तो ये इस तरह से हम याद रख सकते हैं ये प्रोटिक सॉल्वेंट में इसकी ऑर्डर जो है हलाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, पूछा है द
रेट ऑफ एसएन टू रिएक्शन जनरली आर वास्टली इंक्रीज व्हेन दे आर कैरिड आउट इन. देखो एसएन टू रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो है उसकी जो रेट है वो बढ़ जाता है कौन से सॉल्वेंट में अगर ये रिएक्शन हम करें तो. ऑप्शन में दिया है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर सॉल्वेंट डज नॉट इम्पैक्ट द रेट ऑफ एसएन टू रिएक्शन. सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होगा. तो यहाँ से देखो एसएन टू रिएक्शंस का रेट जो है वो बढ़ जाता है अगर हम एसएन टू रिएक्शंस को कैरिड आउट करेंगे यहाँ एप्रोटिक सॉल्वेंट में. तो ऑप्शन बी सही होना है, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट में हम एसएन टू रिएक्शन को कैरी करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. देखो इसे भी याद रखने के लिए थोड़ा सा एक यहाँ पे ट्रिक है, एसएन टू को हम चिंटू बोलेंगे, है ना. एसएन टू को आप भी चिंटू करके ही याद रख लेना. तो ये चिंटू का अप्रूवल हो गया, अप्रूवल यानी एप्रोटिक के लिए यूज करना है. तो चिंटू का अप्रूवल, तो चिंटू एसएन टू को हम एप्रोटिक सॉल्वेंट में कैरिड आउट करेंगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा. और बात करेंगे ये पोलार प्रोटिक की, तो ये एसएन वन रिएक्शन के लिए फेवरेबल होता है और ये जो है एसएन टू रिएक्शन के लिए फेवरेबल होता है दोस्तों, ठीक है. तो इन दोनों में जो भी डिफरेंस है एस एन वन एस एन टू में आप लोगों ने देखना है. और एस एन टू को चिंटू के हिसाब से याद रखिएगा, एस एन वन भी अपने आप याद हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हलाइड इन एस एन वन रिएक्शन इन. देखो ये अल्किल हलाइड जो है इनकी रिएक्टिविटी पूछी है ऑर्डर एस एन वन रिएक्शन के लिए. देखो यहाँ पे टर्शरी प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपेरिजन में दिया है ऑप्शन. तो ये देखो अल्किल हलाइड की बात जब एस एन वन रिएक्शन में आए तो आप लोगों ने सही जवाब देना है ये ऑप्शन बी, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, है ना. एस एन वन है, देखो एस एन वन होता है तो हमें सबसे बड़ा वाला यानी टर्शरी को फेवरेबल कंडीशन बनानी है. और एस एन टू रिएक्शन की बात करेंगे तो ये टू बड़ा है तो इसे छोटा वाला देना है, यानी प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी देन टर्शरी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी एस एन टू के लिए, ठीक है. तो यहाँ से सही जवाब हमारा ऑप्शन बी होगा, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी अल्किल हलाइड, ठीक है. और हाँ दोस्तों हमारे फार्मा नोट्स के पीडीएफ की मेंबरशिप अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना होगा 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से हमारे इस नंबर को यूज़ करके 8087339648. और जैसे आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसके बाद आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा जहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है. और अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं यूजिंग सेम मोबाइल नंबर. और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक करना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो का लाभ आपको होता रहेगा दोस्तों. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. देखो ये वाला सवाल अभी जीपैट 2020 में पूछा था, वर्डन इन्वर्जन और कंप्लीट रिवर्सल ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये वर्डन इन्वर्जन है जिसे कंप्लीट रिवर्सल बोला जाएगा, तो ये कौन से रिएक्शन में होता है. तो ऑप्शन में दिया है एस एन वन रिएक्शन, एस एन आई रिएक्शन, एस एन टू रिएक्शन या फिर एस एन ए आर रिएक्शन. यहाँ से सही ऑप्शन आपको टिक करना था ये ऑप्शन सी, एस एन टू रिएक्शन में ही ये वॉल्डन इन्वर्जन देखा जाता है कंप्लीट रिवर्सल. हम जब छाता लेके जाते हैं ना बारिश में, अगर तूफान आ जाए तो हमारी छाता ऐसा उल्टा हो जाता है पूरा, तो इसी तरह से उस मॉलिक्यूल में भी होता है, उसमें कंप्लीट इन्वर्जन देखा जाता है, उसे वॉल्डन इन्वर्जन बोला जाता है जो एस एन टू रिएक्शन में देखा जाता है. टू तो हमने देखा अभी, प्राइमरी अल्किल हलाइड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं इसमें. तो जैसे बात करेंगे हम यहाँ पे ये इस तरीके का अगर मिथिल होगा तो ये पूरा कंप्लीट इन्वर्जन दिखाएगा, यानी ये इस स्टाइल में ऐसे चले जाएंगे, है ना. तो ये कंप्लीट इन्वर्जन दिखाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. सही वाला स्टेटमेंट हमें टिक करना है. तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल, जो ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल हो अंडरगोज रिएक्शन विद थायोनील क्लोराइड. देखो थायोनील क्लोराइड के साथ में अगर रिएक्शन हो रही है SOCl2 थायोनील क्लोराइड, द प्रोडक्ट रिटेन्स द कॉन्फिग्रेशन. ऑप्टिकल एक्टिव अल्कोहल अगर थायोनील क्लोराइड के साथ में रिएक्ट होगा तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो रिटेन्स इट्स कॉन्फिग्रेशन, कॉन्फिग्रेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा. नेक्स्ट ऑप्शन है, एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल अंडरगोज द रिएक्शन विद थायोनील क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन. पिरिडिन के प्रेजेंस में वही रिएक्शन हो रही है जो ऑप्शन ए में बात की गई है. देन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस. अगर पिरिडिन आने की वजह से उसमें क्या आ रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन आ रहा है. पिरिडिन नहीं है तो रिटेन्स द कॉन्फिग्रेशन, पिरिडिन आएगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन.
नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो यहाँ से सच्चा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से ये याद रख लेना है अपने। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बोलता है इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, देखो हाइड्रोजन भी जा रहा है और हैलोजन भी जा रहा है, तो हैलोजन और हाइड्रोजन साथ में चले जा रहे हैं। इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हलाइड, फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज फेवर्ड विद अ स्मॉल बेस इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय। देखो ये जो रिएक्शन है इस तरीके की होती है स्मॉल बेस के प्रेजेंस में, ये किसने एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ ऑप्शन में देखो जेडसेव रूल, जिसे सेडजेप रूल भी बोला जाता है, मार्कोनिकोफ रूल, खराश इफेक्ट, या फिर हॉफमन रूल। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से सही ऑप्शन आप लोगों को टिक करना है ऑप्शन ए जेडसेव रूल, जिसे सेडजेप रूल भी बोला जाता है। देखो ये सेडजेप रूल क्या बोल रहा है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात चल रही है ना, तो ये देखो यहाँ पे ये अल्किल हलाइड है, यानी टू ब्रोमो ब्यूटेन है यहाँ पे, है ना, तो ये अल्किल हलाइड जो है ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो इसका स्मॉल बेस की प्रेजेंस में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब कि ये हैलोजन चला जाएगा किसी एक हाइड्रोजन के साथ में। अब बात आएगी हाइड्रोजन यहाँ से लेगा या फिर यहाँ से लेगा, कौन से कार्बन से हाइड्रोजन लेगा ये, तो हमें तो सेडजेप ने बताया है कि फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनना चाहिए ना, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, तो अगर ये ब्रोमीन यहाँ से लेगा, है ना, यहाँ से अगर हाइड्रोजन लेगा तो ये अल्किन यहाँ पे बनेगा, और अल्किन यहाँ पे बनेगा तो सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बन रहा है, और अगर ये ब्रोमीन यहाँ से हाइड्रोजन लेता है तो अल्किन यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे जब अल्किन बनता है तो इधर से एक अल्किल सब्स्टिट्यूशन, इधर से एक अल्किल, अच्छा दो दो सब्स्टिट्यूशन बनेंगे, यानी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन यहाँ पे ही बनेगा जब ये टू ब्यूटीन बन जाएगा दोस्तों। तो स्मॉल बेस की प्रेजेंस में जैसे इथिल अल्कोहल है, इथॉक्साइड आयन यहाँ पे आएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे, तो उनके प्रेजेंस में ये देखो ये ब्रोमीन जो है अपना हाइड्रोजन यहाँ से ले रहा है इस कार्बन से, है ना, तो तभी जाकर के ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन फॉर्म कर रहा है। ये जो अल्किन है इसमें हम देख रहे हैं दो दो अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पे, तो टू ब्यूटीन ही इसमें बनना चाहिए दोस्तों प्रोडक्ट, है ना। अब बात करेंगे अगर बल्की बेस प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये बल्की बेस अगर इसमें आया ट्राई टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल है ये, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन का हाइड्रोजन ले जाता है अगर बल्की बेस होता तो, और यहाँ पे वन ब्यूटीन तैयार होगा, जो अल्किल ग्रुप जो है वो लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा, एक ही अल्किल ग्रुप इधर सब्स्टिट्यूट है, तो ये जो बात बोली है स्मॉल बेस के प्रेजेंस में मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, वो बात सेडजेप रूल ने हमें बताई है, जिस साइंटिस्ट का नाम था जेडसेव रूल करके, तो ये दो नामों को भी आप लोगों ने याद रखना है, जेडसेव को ही सेडजेप रूल बोला जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डिफरिंग, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस किस चीज़ों में डिफर करते हैं, डिफरेंस दिखाते हैं, तो ऑप्शन में देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें पता है जो सिस और ट्रांस के नाम से जाना जाता है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, तो यहाँ से ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, तो आपको ये ऑप्शन डी सही बोलना है, ऑल ऑफ दिस। मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, डाइपोल मोमेंट डिफरेंट होता है, और सॉल्युबिलिटी भी उनकी डिफरेंट होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है द पॉलीमॉर्फ्स एग्जिबिट द फॉलोइंग डिफरेंस प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, सभी प्रॉपर्टी पॉलीमर्स के लिए डिफरेंट है लेकिन एक ऐसी है जो सेम है, ये क्वेश्चन अभी जीपैट में पूछा था, ऑप्शन में दिया था सॉल्युबिलिटीज, एक्सरे क्रिस्टल एंड डायफ्रैक्शन पैटर्न, मेल्टिंग पॉइंट्स, या फिर केमिकल स्ट्रक्चर। यहाँ से सही ऑप्शन टिक करना था ऑप्शन डी, क्योंकि पॉलीमर्स के लिए केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है और ये बाकी प्रॉपर्टीज उसके डिफरेंट होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो बोलता है सिस ब्यूट टू इन इज पोलार, ट्रांस ब्यूट टू इन इज नॉन पोलार, डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस ब्यूट टू इन इज ऑलमोस्ट जीरो, या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ से हमें सही ऑप्शन टिक करना होगा दोस्तों, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो, ये सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू है। देखो सिस फॉर्म जो है टू ब्यूटीन का वो पोलार है, ट्रांस फॉर्म जो है टू ब्यूटीन का वो नॉन पोलार होता है, और डायपोल मोमेंट की बात करेंगे ट्रांस टू ब्यूटीन की तो वो जीरो के बराबर होता है। देखते हैं समझते हैं इस कंसेप्ट को। देखो यहाँ पे दोनों आइसोमर निकाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये ब्यूटीन के टू ब्यूटीन के, तो यहाँ पे देखेंगे ये सिस फॉर्म है ना, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। सिस फॉर्म इसे क्यों बोला गया है, देखो ये अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे हम तो ये इस तरह की प्रायोरिटी ऑर्डर है,
ठीक है, दोनों एक ही साइड में आ रहे हैं ऊपर के साइड में डबल बॉन्ड के, तो ये सिस फॉर्म होगा है ना। और ये देखो यहाँ पे ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर है और इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर नीचे है, ऊपर नीचे हो गया तो ये ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो देखो ये ऊपर नीचे एक ही जगह पे है ना, तो ये एक ही साइड में है तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ बनेगा और ये 0.33 डीबे होता है और इसीलिए ये पोलार मॉलिक्यूल बोला जाएगा है ना, ये पोलार है। और अगर डाइपोल मोमेंट इसकी बात करेंगे ट्रांस की, तो देखो एक ग्रुप ऊपर है एक नीचे है और दोनों जो साइड चेन है यहाँ पे सिमिलर है, तो ये मिथिल ग्रुप की जैसे जो भी पोलैरिटी है वो इस साइड में आने की वजह से कैंसल आउट हो जाती है दोस्तों, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट जीरो ही होता है इसका डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से ये नॉन पोलार ही होता है। तो ट्रांस टू ब्यूटीन जो है वो नॉन पोलार होगा, सिस टू ब्यूटीन जो है वो पोलार होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट कितना है नॉन पोलार की वजह से इसका जीरो आएगा। तो सारे स्टेटमेंट हमारे सही थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किन शोज द जुसामेन फॉर्म, जुसामेन फॉर्म कौन सा अल्किन शो करता है। देखो जुसामेन यानी जेड, जेड को जुसामेन बोलते हैं, जेड फॉर्म, जुसामेन यानी टुगेदर, और ई फॉर्म जो होता है उसे एंड गेगन बॉम बोला जाता है जिसका मतलब होता है अपोजिट है ना। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जुसामेन फॉर्म को पहचानना है, इस तरीके के ऑप्शन है, ये अल्किन है और इसमें ये साइड चेन होता है, तो हमें ये डिटेक्ट करना होता है कि जेड वाला फॉर्म है टुगेदर वाला या फिर ई वाला फॉर्म है अपोजिट वाला। तो यहाँ पे प्रायोरिटी हमें देना आना चाहिए, ये ऑप्शन को देखेंगे ये अल्कीन है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसी क्लोरीन की तरफ होगी। यहाँ पे अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे इस कार्बन के लिए तो इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसी होती है, ब्रोमीन का प्रायोरिटी ऑर्डर पहले आएगा बाद में क्लोरीन का आएगा। तो ये देखो एक दूसरे के ये अपोजिट चले गए, ऊपर नीचे हो गया तो इसे हम ई फॉर्म बोलना है ना, ऊपर नीचे हो जाए तो ई फॉर्म बोलना है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, देखो यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन है, इनके बीच में हम प्रायोरिटी का देने की कोशिश करेंगे तो ब्रोमीन की तरफ चला जाएगा, और इन दो ग्रुप के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे नीचे आएगी, तो ये ऊपर नीचे हो गया फिर से ये ई फॉर्म होगा। नेक्स्ट बात करेंगे इस कंपाउंड की, तो देखो यहाँ पे इस कार्बन के लिए मिथिल ग्रुप और हाइड्रोजन है तो इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर नीचे जाएगी और इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर कहा जाएगी दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ मिथिल है यहाँ पे मोर कार्बन है तो ये इसकी ऑर्डर ऊपर जाएगी, तो ये भी ऊपर नीचे हो गया तो ये भी ई फॉर्म होगा। बात करेंगे इस कंपाउंड की, तो मिथिल और हाइड्रोजन में प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर की तरफ और इन दो कंपाउंड में जाएगी प्रायोरिटी ऊपर के, दोनों ऊपर ऊपर दिख रहा है तो ये जेड फॉर्म होगा, यही वो टुगेदर वाला फॉर्म होगा दोस्तों है ना, जुसामेन फॉर्म। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही करना है हमें, ठीक है। तो आपने ये ई फॉर्म और जेड फॉर्म को समझ लिया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट शो द सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, ऐसा कंपाउंड बताना है जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं बताता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताएगा। तो यहां पे देखिए ये कंपाउंड है कौन सा होगा, ये 1,2-डाइक्लोरोइथीन होगा है ना, 1,2-डाइक्लोरोइथीन। तो यहाँ पे अगर हम इसकी प्रायोरिटी देखेंगे तो ये नीचे आएगा, ये भी नीचे, दोनों भी नीचे की तरफ आ रहे हैं है ना, तो मतलब ये क्या होगा हमारा सिस फॉर्म होगा, तो ये सिस आइसोमर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे इस कंपाउंड की, तो इसमें प्रायोरिटी देखो ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो ये ऊपर नीचे हुआ तो ये ट्रांस आइसोमर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे इस कंपाउंड के लिए, तो देखो यहाँ पे दो दो क्लोरीन है, ये सेम सेम है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है तो सेम सेम है, तो ना ऊपर है ना नीचे है ना, इक्वल इक्वल जब आता है तो वो नो कहलाएगा, नो सिस नो ट्रांस आइसोमर, ये कोई आइसोमर नहीं बताएगा। नेक्स्ट देखो कंपाउंड, इसमें भी ये क्लोरीन क्लोरीन सेम है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन है, इसमें तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये एक साइड में भी अगर इक्वल इक्वल आ जाए ना, इक्वल का साइन आ गया मतलब नो सिस ट्रांस आइसोमर हो जाएगा दोस्तों, नो सिस एंड ट्रांस आइसोमर है ना। तो यहाँ से दो कंपाउंड हमारे नो सिस ट्रांस दिखा रहे हैं, यानी कि वो नहीं दिखा रहे आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस वाला, तो यहाँ से देखो ये ऑप्शन ई भी हमने लिया था बोथ सी एंड डी करके, तो यहाँ से आप लोगों ने ऑप्शन ई को टिक करना है, बोथ सी एंड डी जो है वो जो कंपाउंड है विच डज नॉट शो द सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।